तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो देख सकते हैं आज हम आए थे यहाँ पे, हमको किचन की फिटिंग करनी है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमको डाइवर्टर लगाना है, कंसील वर्ल बड़ी वाला, और कुछ गीजर के पॉइंट बनाने हैं, और एक आरओ का पॉइंट वेस्ट पाइप भी देना है। तो देख सकते हैं पहले हमने इसका पूरा मेजरमेंट कर लिया है। अब मेजरमेंट देख सकते हैं, निशान एक्चुअल नपती के हिसाब से हमने कर लिया है। फाइल्स वाले से इसकी डेवल निकल वाली थी पहले ही हमने, अब इसकी हम ग्राइंडिंग से जीरी काट लेंगे। तो देख सकते हैं अब हम जीरी काट देंगे इसकी। तो देख सकते हैं हम पहले डायवर्टर कंसील बॉडी की जीरी काट देंगे और ऊपर हम काट देंगे इस आरओ की, और आरओ से एक पॉइंट बना के हम गीजर का भी पॉइंट इसमें ले लेंगे। यहाँ हमारी किचन की सिंक आएगी, इसमें मिक्सर नहीं दे रहे हैं, मिक्सर की जगह कंसील वाला मिक्सर हम देंगे। तो ये हमारे आरओ के पॉइंट हैं, जिसमें नीचे वेस्ट पानी का आरओ का पॉइंट चला जाएगा। अब इसकी जीरी काट ली हमने, और जीरी काटने के बाद इसकी टाके थोड़ी की मदद से इसको छांट लेंगे। तो एक जगह और ये किचन बहुत बड़ी है, दूसरी वाली भी हम सिंक की ऐसे हिसाब से ही काट लेंगे जीरी, पर यहाँ पे हमारा आरओ वगैरह नहीं है, सिंपल फिटिंग है। तो हमारा काम जल्दी हो जाए इसलिए हमने ब्रेकर मंगा लिया था। तो ब्रेकर के हिसाब से हम जीरी काट लेंगे। तो देख सकते हैं ब्रेकर में हम फ्लैट सीजर लगा लेंगे इसके अंदर। तो अब इसकी जीरी को छांट लेंगे अच्छे से। तो दोनों तरफ की जीरी हम छांट लेंगे, देख सकते हैं बीच में लाइट वाले का पाइप आ रहा था, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम हटा देंगे साइड में, क्योंकि ये हमारे बीच में आ रहा था। तो देख सकते हैं अब जीरी कंप्लीट हो चुकी है हमारी, अब इसकी फिटिंग चालू कर देंगे। तो फिटिंग देख सकते हैं, अब फिटिंग इसकी करना चालू करेंगे। तो देख सकते हैं फिटिंग हमने चालू कर दी, कंसील बॉडी में बढ़िया टेबलों लगा के इसको कस दिया था पहले ही, अब इसकी फिटिंग हम चालू कर देंगे। इसमें क्या स्मार्ट आरओ लग रहा है, तो इसका आरओ का जो सेटअप है वो पीछे की तरफ लग जाएगा। आरओ का सेटअप पीछे की तरफ इसलिए लगेगा क्योंकि किचन के अंदर दिखाई ना दे, सिर्फ आरओ का जो वेस्ट आउटलेट पॉइंट होगा वही नल किचन के अंदर दिखाई देगा, देख सकते हैं। तो मोटर टंकी के सारे हमने पॉइंट बना दिए गर्म ठंडे के। तो देख सकते हैं ये हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, ऐसी तरह से कि हमने दोनों गीजर और मोटर टंकी की लाइन इस तरफ भी दे दी है। ये हमारे सिंक सब्जी वब्जी धोने के लिए है। तो गाइस कुछ मिस्टेक विस्टेक हो तो बता देना, वैसे तो हम फिटिंग प्रॉपर तरीके से ही की है। तो देख सकते हैं
अब हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, तो हमारे वीडियो आखिर तक देखें और कमेंट जरूर करें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।